हिमांशु कंडपाल का क्वेश्चन है। सर एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, मैं बहुत बार देखा हूँ कि पास परफेक्ट के सेंटेंस को पास इंडेफिनिट में बनाया जाता है, जैसे मैं दुकान गया था तो इसे बनाया जाता है आई वेंट टू द शॉप, जबकि यहाँ पे सेंस है कि गया था, बट इसे सिंपल पास्ट से बनाया जाता है, पास्ट परफेक्ट से नहीं, ऐसा क्यों, प्लीज एक्सप्लेन मी। तो हिमांशु कंडपाल जी, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं आया या आया था, गया या गया था, बोला या बोला था, देखा या देखा था, को हम पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म के मदद से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। लाजमी है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मेरे बातों पर यकीन नहीं हो, तो आइए सबसे पहले एक किताब से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। यहाँ लिखा है नोट, मैंने खाया या मैंने खाया था, दोनों का अनुवाद आई एट ही होगा। कुछ लोग मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड ईटन बना देते हैं, जो गलत है। वे गलती से इस क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में होना समझ लेते हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने खाया या मैंने खाया था आई एट, सीता गई या सीता गई थी सीता वेंट। यहाँ आप एग्जांपल नंबर 8 देखें, उसने एक बाघ मारा था ही किल्ड अ टाइगर। राम ने मुझे एक पुस्तक दी राम गेव मी अ बुक। राम ने सुग्रीव की मदद की थी राम हेल्प सुग्रीव। मोहन पटना गया था मोहन वेंट टू पटना। उसने मुझे गाली दी थी ही अब्यूज्ड मी। उसने चिट्ठी लिखी थी ही रॉट अ लेटर। उन लोगों ने गरीबों की मदद की दे हेल्प द पुअर। दशरथ अयोध्या में राज करते थे दशरथ रेंट इन अयोध्या। तो फ्रेंड्स, आपने किताब में देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते गया या गया था, आया या आया था, बोला या बोला था, लिखा या लिखा था, देखा या देखा था, इस तरह के सेंटेंसेस को हम सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट परफेक्ट जिसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलत क्यों हो जाएगा, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस के मदद से ट्रांसलेट क्यों नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे कहूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां दो कामों को दिखाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ। यानी नॉर्मली हम पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन की बात करते हैं, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, उस्ताद के क्लास में आने से पहले बच्चे हल्ला कर चुके थे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस देखने में सिंगल लगते हैं, लेकिन वो सिंगल होते नहीं हैं। वहाँ भी किसी दो एक्शन का होना दिखाया जाता है, जैसे मैं पहले ही खा चुका था, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई हैड ईटन बिफोर। जैसा कि इस सेंटेंस को देखने पे लग रहा है कि यहाँ कोई एक एक्शन हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं है। मेरा सेंटेंस था मैं पहले ही खा चुका था, यानी बातों से जाहिर है कि वो दूसरी एक्शन होने से पहले मैं ये काम कर चुका था। यहाँ पर वह दूसरा एक्शन अंडरस्टूड है, यानी छिपा हुआ है, मैं पहले ही स्टेशन पहुँच चुका था। तो ये सेंटेंस देखने में जरूर सिंगल लगता है, यानी लगता है कि यहाँ पर कोई एक एक्शन हुआ, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सेंटेंस में दो एक्शन की बात की गई। ये अलग बात है कि दूसरा वाला एक्शन अंडरस्टूड है या छिपा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला, मैं पहले ही पहुँच चुका था, यानी वो दूसरा काम के होने से पहले, जैसे बारिश का होना या ट्रेन का छूटना, जो भी हो, उसके होने से पहले ही मैं पहुंच चुका था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई दो काम होने का सेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया कि पास्ट के वो सेंटेंसेस जिनमें किसी एक एक्शन की बात की जाती है, आप उसे सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे।